चलिए यहाँ ध्यान दे, अब हम सेट पढ़ लिए ना, सेट खत्म हो गया पूरा, खाली बचा ले क्या, सिर्फ बचा ले रिविजन, बचा ले विविध प्रश्नावली यानी मिसलेशन, ए मिसलेन ये सब बचा ले ना, तो बताएंगे बाद में। आप यहाँ ध्यान दे, जितना भी हम टोटल पढ़े हैं 1.1 से लेके 1.6 तक जितना पढ़े हैं उसमें जितना भी पॉइंट बताए थे सबका रिविजन करवाते हैं। पहले क्या बताए थे, समुच, क्या बताए थे, समिट्स को इंग्लिश में बोलते हैं सेट, क्या बोलते हैं सेट, क्या बोलते हैं, तुम्हें जाता है ना चूरी भी खरीदता है तो एक सेट नहीं बोलता है, तो भी क्या है समुच, क्या है तो समुच किसे कहते हैं, बताए थे क्या समुच किसे बोलते हैं, तो बताए थे तुम लोगों को क्या, सुव्यवस्थित, क्या बोले थे, विभिन्न वस्तुओं के, विभिन्न वस्तुओं के सुव्यवस्थित आंकड़ा को क्या बोलते हैं, समुच, क्या बोलते हैं, समुच को हम क्या बोले थे, समूह, क्या बोले थे, समुच मतलब होता है समूह या संग्रह, यानी वस्तु के समूह या वस्तु के संग्रह, लेकिन कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, यानी जिसको, यानी जिसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं वो क्या क्या होगा, वो होगा समुच, क्या होगा। अच्छा तुम लोग को बोलेगा क्या, बोलेगा तुम लोग अपना 5 फेवरेट हीरोइन का नाम लिखो, तो बता सबका मिलेगा, सबका हीरोइन का नाम मिलेगा, तुम मान लो 5 हीरोइन का नाम लिखा तो तुम्हारा अलग अलग 5 होगा, एक आध दो दूसरा से मिल जाए वो लिखा तो उसका भी 5 उसका भी 5 अलग होगा, एक आध दो तुम्हारा मिल जाए लेकिन टोटल मिलेगा, यानी सबका लिखने का तरीका अलग अलग हो गया, तो वो सेट नहीं होगा, वो सेट तो वो सेट नहीं होगा, वो सेट होगा नहीं, सेट किसको बोलेंगे कि एक गोटा लिखे ना, एक गोटा लिखे या सबको लिखे, सबका एकदम सेम टू सेम मिल जाए तो होगा सेट, क्या होगा सेट, ऐसे बोलेंगे क्या, जानवर एकदम है खीरे, जैसे बोल दिए क्या भोवेल लिखो, क्या लिखो, तो जितना उठा बोलेंगे किसी से भी तुम भोवेल लिखाओ सब क्या लिखेगा, ए ई आई ओ यू यहाँ लिखेगा, ठीक है हो गया सेट, क्या हो गया, यानी सेट किसको बोलते हैं, जो सुव्यवस्थित हो, संग्रह हो लेकिन क्या हो सुव्यवस्थित, और सबको लिखे तो सबका क्या हो सेम टू सेम मिल जाए, सेम टू सेम वो क्या होगा सेट, क्या होगा, और सेट को हम दिखाते हैं किससे, तो माइली ब्रैकेट के अंदर बंद करके, माइली ब्रैकेट के अंदर अब बोलेंगे बता, तुमको बोलेंगे कि बता विश्व का यानी वर्ल्ड का सबसे खतरनाक 5 जीव का नाम लिखो, तो सबका जीव का नाम मिलेगा, कोई बिलइयो चढ़ जाता है तो बिलइयो लिख देगा खतरनाक में, नहीं लिख देगा, तो सबका 5 जीव खतरनाक के खतरनाक तुम लोग नाम लिखेगा लेकिन सब टू सब मिलेगा, सब टू सब नहीं मिलेगा, किसी का अलग रहेगा तो किसी का अलग रहेगा, तो समुच होगा, ये समुच होगा, समुच होगा, बोलेंगे 5 तुम अपना फेवरेट गाना लिखो, किसी का भोजपुरिया गाना घुसा देगा 5, तो कोई 5 हिंदिया घुसा देगा, तो कोई भोजपुरिया हिंदिया दोनों मिला घुसा देगा, तो सेम टू सेम मिलेगा, तो समुच होगा, समुच होगा, अरे समुच नहीं होगा, लेकिन बोलेंगे कि बंदर, बोलेंगे दिन का नाम लिखो, तो सब लिखेगा सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रवि, लिखेगा ना, ठीक ये समुच हुआ, तो समुच हो गया क्योंकि सबका सेम टू सेम है। बोलेंगे महीना का नाम लिखो, तो सब बोलेगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, बोल देगा सब, तो सबका सेम है ना, ठीक है समुच, क्या है, तो तुमने समझ गया समुच क्या होगा, समुच क्या नहीं होगा, समझ गया, समझा तुम लोग, तो समुच को किससे दिखाते हैं, समुच को दिखाते हैं किसे दिखाते हैं, तो माइली ब्रैकेट किसे दिखाते हैं, फिर तुम लोग को बताया था कि समुच लिखने के 2 कितना विधि है, 2 कितना विधि है, 2 एक को बोलते हैं रोस्टर विधि, क्या बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं सूची विधि, क्या बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं तालिका विधि, क्या बोलते हैं, और एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं समुच निर्माण विधि, या बोलते हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, तो तुम लोग को बताया था कि सेट लिखने के 2 है, कितना विधि है, अभी हम रिवीजन करा लेते हैं, पढ़ाए थे टोटल, हम रिवीजन करा देंगे, समुच लिखने की कितना विधि है, 2, एक को बोलते हैं रोस्टर विधि, क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि, एक को बोलते हैं समुच निर्माण विधि, क्या बोलते हैं, समुच, अरे बंदर यहाँ ध्यान देगा, समुच निर्माण विधि, समुच निर्माण विधि, इसको और क्या नाम है, इसका और नाम है सूची विधि या तालिका विधि, और इसका बोलते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर, सेट बिल्डर रोस्टर रूप में जब भी लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे, जो रहेगा संख्या जो रहेगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, इसको लिखते हैं उसका गुण के आधार पर, गुण के जैसे देखें यहाँ पर रोस्टर रूप में लिखेंगे तो डायरेक्ट, जैसे मान लो हम लिख दिए क्या ए ई आई ओ यू, तो ये हो गया रोस्टर रूप, क्या हो गया रोस्टर रूप, क्या हो गया रोस्टर रूप हो गया, लेकिन इसको लिखेंगे समुच निर्माण विधि में तो क्या करेंगे इसका गुण देखेंगे, क्या देखेंगे, तो इसका गुण पहचान क्या है, भोवेल है, क्या है, तो जब जब भी समुच निर्माण विधि में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे एक्स इस प्रकार है कि एक्स, समझ आया तुम लोग को, इसको ना बोलेंगे कि दो टिकली साटल है, दो टिकली ना है क्या है, इस प्रकार क्या है, इसको बोलेंगे सच डेट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे सच डेट, या हिंदी में बोलेंगे क्या एक्स इस प्रकार है कि एक्स, समझ आ गया, तो बताए इसको मान ले एक्स, क्या मान ले एक्स, तो कैसे लिखेंगे इसको जल्दी बता दे, इसको लिखेंगे क्या एक्स इस प्रकार है कि एक्स, एक्स इस प्रकार है कि एक्स, एक्स एक भोवेल है, क्या है एक भोवेल लेटर है, एक भोवेल लेटर है ना, है ये हो गया क्या, हो गया समुच निर्माण विधि, समुच निर्माण यानी रोस्टर रूप में डायरेक्ट लिख देते हैं और समुच निर्माण विधि में से गुण को पहचानते हैं और लिख देते हैं, समझ आया तुम लोग को, ऐसे मान ले हम लिख दिए क्या
एक दो तीन चार पाँच छः डॉट 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 लिख दिए ना, ना लिख दिए। अब बोलेंगे बता इसको लिखना समुच्च निर्माण विधि में कैसे लिखते थे, तो लिखेंगे एक्स इस प्रकार है कि एक्स, एक्स किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, तो इसको पहचान कि ये क्या है, गिनती की संख्या है, और गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृत संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्या बोलते हैं, तो एक्स इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू एन, बिलोंग्स टू या डायरेक्ट बोलेंगे क्या, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो ये कौन रूप है, समुच्च निर्माण विधि, समझा तुम लोग, तो समुच्च निर्माण विधि और रोस्टर रूप, ये सब तुमने पढ़ा दिए, खाली हम रिविजन करवा रहे हैं, समझा गया ना, समझ गया ना, तो समुच्च निर्माण विधि में उसका क्वालिटी के आधार पर लिखते हैं, इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं, बताए थे ना, उसके बाद फिर तुम लोग को पढ़ाया जाए क्या, पढ़ाया तुम लोग को परिमित समुच्च किसे कहते हैं, और परिमित समुच्च किसे कहते हैं, रिक्त समुच्च किसे कहते हैं, और समान समुच्च किसे कहते हैं, बताते हैं ना, तो देखें आप क्या बताएंगे, पहले पढ़ेंगे परिमित समुच्च, क्या पढ़ेंगे परिमित समुच्च, तो परिमित समुच्च किसको बोलेंगे, अली बताओ, तो परिमित समुच्च उसको बोलेंगे जिसमें संग्रह यानी जिसमें जो है ना आंकड़ा फिक्स हो, क्या हो आंकड़ा, क्या हो फिक्स हो, उसको बोलेंगे परिमित, क्या बोलेंगे, और वो परिमित किसके बोल किसको बोलेंगे, जिसमें फिक्स नहीं हो, कितना लिखाएगा कहना मुश्किल हो जाएगा, वो परिमित क्या हो जाएगा, जैसे बोलेंगे मेरे सर में बाल की संख्या, आप गिन पाएगा, ये फिक्स है, ये क्या हो गया परिमित, ये क्यों समुच हो गया परिमित समुच, क्या हो गया परिमित, क्यों परिमित, अपरिमित में होगा, क्या होगा अपरिमित, क्या होगा अपरिमित, क्या होगा अपरिमित, बोलेंगे बता कि इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में कितना संख्या है, तो गिन पाएगा, गिन लिया ने, तो परिमित क्यों परिमित, परिमित परिमित को बोलते हैं इंग्लिश में फिनिट, क्या बोलते हैं, और अपरिमित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनफिनिट, क्या बोलते हैं, तो परिमित को फिनिट और अपरिमित को इनफिनिट, परिमित उसको जिसको हम गिन लें वो हो गया परिमित, और अपरिमित उसको जिसको हम नहीं गिन पाए वो क्या हो गया अपरिमित, क्या हो गया अपरिमित, समझ आ गया ना, जैसे बोलेंगे तूने बता के आकाश में तारा संख्या गिन पाएगा, बहुत है, तो परिमित क्यों परिमित, अपरिमित क्या हो गया अपरिमित, तुम को बोलेंगे बता महीना का नाम गिन पाएगा, तो क्या है परिमित क्यों परिमित, परिमित हो गया, क्या हो गया, यानी जिसको गिन लेंगे परिमित, जिसको नहीं गिन पाएंगे अपरिमित, यानी जिसको गिन लेंगे फिनिट, जिसको नहीं गिन पाएंगे इनफिनिट, अनफिनिट बेटा इनफिनिट, समझ आ गया, समझ तुम लोग आ गया, फिर तुम लोग को बताए थे कि रिक्त समुच्च, क्या बताए थे, रिक्त समुच्च किसको बोलते हैं, जो खाली हो यानी जिसके जिसके अंदर एक भी सदस्य ना हो, ऐसे हम यहाँ बॉक्स बना दिए, बना दिए ना, इसके अंदर एक होगा, इसके अंदर कोई रहने वाला है ना, तो हो गया रिक्त समुच्च, क्या हो गया, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पटी सेट, क्या बोलते हैं इम्पटी सेट, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं और नल सेट, क्या बोलते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं तुमको ये नहीं मिलेगा, इसको तुम जब जब भी रिक्त समुच्च रहेगा ना तो तुमको ये नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा फाय, क्या मिलेगा, यानी फाय से इंडिकेट करते हैं, बताए थे ना कि रिक्त समुच्च को जब भी इंडिकेट करना है तो फाय से इंडिकेट करना है, इन्हें बोलना है कि इसको पेटा चीर दीजिए, बोलना है इसको फाय, क्या बोलना है भाई नहीं, क्या बोलना है फाय, क्या बोलना है फाय, समझ आ गया, तो रिक्त समुच्च किसको बोलते हैं, जिसमें एक भी सदस्य ना हो, वैसा समुच्च जिसमें एक भी अवयव ना हो, यहाँ ध्यान दे, जो समुच में रहता है उसको बोलते हैं अवयव या सदस्य, क्या बोलते हैं, या बोलते हैं पद, क्या बोलते हैं, यानी इसको अवयव बोलेंगे या सदस्य बोलेंगे या पद बोलेंगे, अवयव बोलेंगे या सदस्य बोलेंगे या पद बोलेंगे, बताए थे ना, ऐसे बता पूछे बोलेंगे तो क्या, तुमको बताया था गंजा आदमी के सर में बाल की संख्या, आदमी है गंजा, आदमी क्या है गंजा, क्या है तो उसके सर में बाल की संख्या होगा, बाल होगा, तो कौन समुच्च, तो रिक्त समुच्च, क्या उसका बाल क्या है पूरा रिक्त ना है, क्या हो गया फाय, क्या हो गया, बोलेंगे क्या, बोलेंगे सेब के पेड़ में आम की संख्या, सेब के पेड़ में आम मिलेगा, सेब में आम मिलेगा, एक नहीं मिलेगा, तो कौन समुच्च, रिक्त समुच्च, कौन समुच्च, रिक्त समुच्च, समझ गया, रिक्त समुच्च, रिक्त समुच्च समझ गया ना, रिक्त समुच्च को फाय से दिखाते हैं, बता दिए थे, फिर तुम लोग को पढ़ाए थे हम समान समुच्च, क्या पढ़ाए थे, समान समुच्च किसको बोलते हैं, तो वैसा समुच्च जिसमें एक सेट में जितना अवयव है उतने दूसरे सेट में अवयव हो और दोनों सेम टू सेम मिल जाए तो क्या है समान समुच्च, क्या है समान समुच्च, बताए थे ना, और फिर तुम लोग को बताए थे समुच्च जब भी लिखते हैं ना, समुच्च जब भी लिखते हैं तो किस कोई भी वर्ड या कोई भी अवयव अगर दोबारा आ रहा है तो उसको दोबारा लिखते हैं क्या, उसको एक ही बार लिखते हैं, यानी कोई भी अवयव कितनों बार आ जाएगा तो उसको कितना बार लिखना है, एक ही बार लिखना है, बताए थे ना, जैसे तुम लोग को क्या बताए थे, ऐसे जैसे यहाँ ध्यान दे, जैसे मान ले लिख रहे हैं हम क्या फलो, क्या लिख रहे हैं एफ ओ डबल एल ओ डब्लू, बोलेंगे इसको लिख समुच्च अति समुच्च के रूप में लिख, तो कौन रूप में लिखते हैं, इसको लिखते हैं रोस्टर रूप में, कौन रूप में लिख रहे हैं रोस्टर रूप में, तो देख यहाँ एफ आ गया एफ लिख दिए, ओ आ गया ओ लिख दिए, एल आ गया एल लिख दिए, अभी एल लिखेंगे क्या, नहीं दोबारा नहीं लिखते हैं सब, जब भी रोस्टर रूप में लिखेंगे तो कोई भी किसी भी
अब यब को दोबारा नहीं लिखेंगे, तो एल एक बार लिख दिए ना, दोबारा लिखेंगे क्या? इसको बोलेंगे तुम खाली टुकुर टुकुर देखते हो, उनको नहीं लिखेंगे। अब फिर वो लिखेंगे क्या? वो को नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक बार लिख दिए ना, इसको बोलेंगे तुम सिर्फ टुकुर टुकुर देख, और डब्लू का डब्लू, समझा? तो समुच निर्माण में क्या बताया था, जब भी समुच में लिखते हैं तो किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। फिर तुम लोग पढ़ाए थे समान समुच, क्या पढ़ाए थे? समान समुच में क्या होता है, तो जो भी एक अवयव एकदम दूसरा अवयव में सेम टू सेम मिल जाए, और जितना अवयव इसमें है उतना ही दूसरा अवयव है, तो क्या हो जाएगा? समान समुच, क्या हो जाएगा? जैसे तुम लोग को बताए थे क्या कि मान लें सेट ए, सेट सेट ए में 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और सेट बी में मेरा है क्या 1 2 3 4 5, तो दोनों सेम टू सेम मिल रहा है। इसमें भी देख 5 अवयव है, इसमें भी 5 अवयव है, तो और सेम टू सेम मिल रहा है, तो क्या हो गया? समान समुच, क्या हो गया? अगर एक एक उठा आया, एक लड़का आया, उसको इसको लिख दिया इस तरह 5 3 2 1 4। अब बता ए और बी समान समुच है, ए और बी समान समुच है, तो पहले ध्यान दे, इसमें 5 हुए तो इसमें भी 5 हुआ है। अब देख इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है। यानी अक्षर जो उल्टा पुल्टा लिखा है इससे मतलब ना है, खाली मतलब हमको ये है कि सेम टू सेम मिल रहा है कि नहीं, तो मिल गया ना, तो यानी ये भी क्या समान समुच का है। लेकिन एक लड़का आया उली दिया, क्या उली दिया 1 2 3 4 5 6। अब बता ए और डी समान समुच होगा? नहीं, कह के देखिए यहाँ यहाँ 5 है, इसमें क्या गो है 6 गो है, ये 5 गो तो मिल गया लेकिन 6 गो छठा मिला ना, मिला तो समान समुच होगा? नहीं होगा, समझ गया ना? यानी हम रिक्त समुच पढ़ लिए, परिमित पढ़ लिए, और परिमित पढ़ लिए, और समान समुच यानी इक्वल सेट, समान समुच को बोलते हैं इक्वल सेट, क्या बोलते हैं? पढ़ लिए ना, परिमित को बोले थे फिनिट, और परिमित को बोले थे इनफिनिट, रिक्त समुच को बोले थे नल सेट या इनपट्टी सेट, और समान समुच को बोले थे इक्वल सेट, पढ़ लिया ना। फिर अब क्या पढ़ना है, फिर पढ़ते हैं अवयव के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? जब सदैव अवयव होगा तो उसको उसको किससे निकल करते हैं, यहाँ ध्यान दे। देखिए आप जैसे हम यहाँ लिख दिए ए, क्या लिख दिए, तो ए में क्या है 1 2 3 4 5 लिख दिए ना। अब ये सब क्या है? अभी अभी क्या है, या इसको बोलते हैं सदस्य, क्या बोलते हैं? सदस्य, या इसी को बोलते हैं पद, क्या बोलते हैं? पद। तो देख यहाँ पर ही, तो जब अवयव होगा तब लिखेंगे बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे? इसको बोलते हैं सदस्य है, हिंदी में बोलते हैं सदस्य है, इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इन्हें बोलते हैं कि शंकर भगवान का तिरछूल है, तिरछूल नहीं बोलना, क्या बोलना? बिलोंग्स टू, क्या बोलना? बिलोंग्स टू यानी सदस्य है, सदस्य है, और सदस्य नहीं होगा तो लिखेंगे काट देंगे, तिरछुर बनाएंगे यानी बिलोंग्स टू बनाएंगे, उसे क्या करेंगे? काट देंगे, तो इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू यानी सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है, समझ आया तुम लोग को? ऐसे बोलेंगे बता एक 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 जो है ए में है, एक ए में है, पगली यहाँ ध्यान दे, एक यहाँ है, एक ए में है, तो हाँ है, तो यानी वन बिलोंग्स टू ए, लिख दिया ना। बोलेंगे बता फाइव ए में है, फाइव ए में है, हाँ है, तो फाइव बिलोंग्स टू ए। बोलेंगे सिक्स ए में है, सिक्स है में, देख इसमें सिक्स है, सिक्स नहीं है ना, तो सिक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सिक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फिर बताएंगे तुम लोग क्या, यहाँ ध्यान दे, फिर बताएंगे बोलेंगे जीरो, तो जीरो ए में है, नहीं, तो जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बोलेंगे बता थ्री, थ्री है, तो थ्री बिलोंग्स टू ए, समझ आ गया? आ गया समझ? तो इसको पढ़ लिए, उसके बाद तुम लोग को पढ़ाए थे हम क्या, जल्दी बता क्या पढ़ाए थे? उप समुच नहीं पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? उप समुच, क्या पढ़ाए थे? उप समुच किसको बोलते हैं? तो यानी देखिए तुम लोग बताए थे प्रधानमंत्री बड़ा है, प्रधानमंत्री बड़ा है, प्रधानमंत्री बड़ा होता है, उप प्रधानमंत्री छोटा होता है, उसी प्रकार बता समुच बड़ा होगा कि बड़ा होगा कि उप समुच बड़ा होगा? समुच बड़ा होगा, उप समुच जैसे मुखिया बड़ा होता है, मुखिया छोटा होता है, तो समुच बड़ा होगा, उप समुच क्या होगा? तो मान लिया को सेट मेरा है, सेट यानी ए, सेट ए मेरा है 1 2 3 4 5, क्या है 1 2 3 4 5, ये क्या होगा? सेट ए, क्या हो गया? सेट ए है, ठीक है ना। अब हम लिख रहे हैं सेट बी, क्या लिख रहे हैं? लिख दिए 2 4 5 2 4 5। अब बता यहाँ ध्यान दे, उप समुच को हिंदी में बोलते हैं क्या, अतः यहाँ पर उप समुच को इंग्लिश में बोलते हैं सब सेट, क्या बोलते हैं? सब सेट, क्या बोलते हैं? सब सेट। उप समुच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब सेट, ठीक है ना। और इसको कैसे दिखाते हैं? दिखाते हैं ऐसे, देख रहा उप समुच को कैसे दिखाएंगे? तो यू को ऐसे नहीं लिखेंगे, यू को ऐसे सुता देंगे तो हो जाएगा सब सेट, क्या हो जाएगा? सब सेट। तो देखिए आप यहाँ ध्यान दे, बी जो है इसके अंदर घुस जाएगा, ए बड़ा है कि बी बड़ा है? ए बड़ा है कि बी बड़ा है? ए बड़ा है। तो बता उप समुच बड़ा होता है कि छोटा होता है? छोटा होता है। तो उप समुच कौन बनेगा? ई बनेगा कि ई बनेगा? नीचे वाला बनेगा। तो देखिए ई जो है इसका उप समुच है,
तो देख सेम अगर इबला इसके अंदर घुसा है तो हो जाएगा समझ, तो घुसा ले देख, दो यहाँ तो दो इसमें भी है ना, चार यहाँ तो चार इसमें भी है ना, पाँच यहाँ तो पाँच इसमें भी है ना, यानी पूरा पूरी इसके अंदर घुस गया। यानी बी क्या है, ए का उप समझ, बी क्या है, ए का, समझ आया तुम लोग को, यानी बी है ए का उप समझ, यानी बी घुसा ले ए के अंदर, समझ गए तुम लोग, ए बी का उप समझ होगा नहीं, बरखा कैसे हो इस छोटका खो जाएगा, हो पाएगा ना, ना पाएगा। उस प्रकार मान लें हम सी बराबर लिख दिए, क्या सी बराबर लिख दिए, 1 3 4 क्या लिख दिए, 1 3 तो सी बता इसके अंदर घुसल है, सी इसके अंदर घुसल है, तो देख 1 3 4 है ना घुसल, यानी सी मेरा है सबसेट किसका, ए का, किसका है। अगर मान लो हम डी बराबर ले लिए, क्या 1 5 6 क्या ले लिए, 1 5 अब बता डी इसके अंदर घुसल है, तो 1 तो है 5 है लेकिन 6 है, तो पूरा पूरी ना घुस पाया, यानी डी जो है सबसेट नहीं है किसका, ए का, समझा। तो सबसेट तुम लोग पहचान जाएंगे, अरे पहचान जाएगा तुम लोग, पहचान पाएगा। अब तुम लोग बताए थे कि किसी का भी हम मान लो क्या लिखते हैं, उप समुच, क्या लिखते हैं, किसी भी सेट का उप समुच लिखते हैं, तो बताए थे ना कि तुम लोगों को बताए थे फाई, फाई बोले तो रिक्त समुच, फाई जो है सभी सेट का उप समुच होता है, बताए थे फाई जो है सभी सेट का उप समुच होता है, और एक जो सेट है ना वही खुद उसका उप समुच होता है, बताए थे। जैसे मान लें हम यहाँ ले रहे हैं, देखिए मान लें यहाँ हम ले लिए क्या 1 2 3 क्या ले लिए, 1 2 3 मान लें सेट ले लिए, तो हम क्या सेट ले लिए, सेट ए बराबर ले लिए क्या 1 2 3 ले लिए ना। अब बोलेंगे बता इसका कितना उप समुच होगा, कितना उप समुच होगा, तो देख यहाँ कितना उप समुच होगा, तो देख तो इससे इससे बनाना है उप समुच, क्या बनाना है, तो देख एक तो फाय क्या होगा, पहला होगा फाय, तो याद रखना फाय जो है सभी का उप समुच होता है, फाय जो सभी का उप समुच, चाहे कोई भी सेट हो फाय हर जगह उपस्थित है, समझ गया ना, तो फाय सबका उप समुच हो गया। अब एक को लिख, तो एक भी इसका उप समुच हो जाएगा, होगा। दो लिख, दो को लिख दिया तो दो भी इसका उप समुच हो गया, हो गया। तीन को लिख दिया तो तीन भी इसका उप समुच हो गया, हो गया। अब एक को लिख दिया, अब दो को लिख, 1 2 क्या लिख रहे हैं, यानी सेट ए का हम उप समुच लिख रहे हैं, तो लोग बोलेगा लिखने इसी तरह लिखना है, अब लिखना है क्या 2 3 क्या लिखना है, तो 2 3 भी क्या गया इसका उप समुच, क्या हो गया उप समुच। अब लिख 1 3 क्या लिख, तो 1 3 भी क्या गया इसका उप समुच, समझ आ रहा है ना। अब जो है लास्ट में क्या होता है, तो लास्ट में ही खुद हो जाता है, लास्ट में ही खुद हो जाता है, नहीं 1 2 3 खुद हो जाएगा, 1 2 3 खुद हो जाएगा, समझा तुम लोग, क्या हुआ देख ले। तो किसी का भी बोलेगा उप समुच लिखना, इसी तरह लिखना है, लिख लेगा, कितना हो हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को हो गया ना। तो इसका अब मान ले छोटा, अभी छोटा था तो हम बता दिए कि 8 हुआ है, अब बड़का को मान ले दे दिया, सेट ए बराबर दे दिया बड़का को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब बोलेगा अब बता, तो अब इस तरह कितना लिखेगा, लिखते तो हालत ख़राब हो जाएगा। तो इसका इसके लिए सूत्र होता है उप समुच की संख्या, उप समुच की संख्या बराबर सूत्र होता है क्या 2n, जहाँ n क्या है, जहाँ n है अवयव की संख्या, अवयव की, तो यहाँ कितना अवयव है 3 गो है, यानी 2 पर पावर 3 बराबर 2 × 2 × 2 यानी 8 ना हो गया, देख 8 को हो गया, 8 को है ना, है ना। बोलेंगे बता कि इसका जब हम उप समुच बनाएंगे तो क्या उप समुच बनेगा, तो 2 पर पावर n, 2 पर पावर, तो 2 पर पावर n, n क्या अवयव की संख्या, अवयव की यानी एलिमेंट्स की संख्या, तो क्या गो 1 2 3 4 10 गो है ना, 10 दे दिए, ऐसे गुना कर कितना आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 10 पर कर कितना आएगा 1024, कितना आएगा 1024 कर लेना तुम लोगों ना, 1024 कितना आएगा 1000, समझा तुम लोग। तब बोलेगा उप समुच की संख्या निकालने निकाल देगा। अब तुम लोगों को पढ़ाए थे फिर हम पावर सेट, क्या पढ़ाए थे पावर सेट, पावर, तो तुम लोगों को बताए थे जो उप समुच निकाले हैं ना अगर उसी को एक कमरा में बंद कर देंगे तो हो जाएगा पावर सेट, क्या हो जाएगा पावर सेट, बताए थे ना, नहीं बताए थे। तो ये क्या है, ए का उप समुच है, ए का क्या है, ए का उप समुच ये है, ये 8 क्या है, ए का उप समुच है का, लेकिन अगर इसको हम बंद कर दिए बड़ा ऐसा कमरा में, कमरा में कौन माइनी ब्रैकेट, कमरा कौन माइनी ब्रैकेट में बंद कर दिए, तो ये क्या हो गया, हो गया ये पावर सेट, ये क्या हो गया, यानी घात समुच, हिंदी में बोले तो यानी अभी बन गया घात समुच, यानी घात समुच कैसे बनता है, तो किसी का उप समुच लिख दे और उसको बड़का माइनी ब्रैकेट में बंद कर दे तो हो जाएगा घात समुच, क्या बन जाएगा घात समुच, समझा तुम लोग, समझा तुम लोग। अगर ये घात समुच बन गया ना, अरे फाई को बंद नहीं किए, फाई को भी बंद कर, फाई छूट गया, तो ये बन गया घात समुच, क्या बन गया घात समुच, घात समुच। अब देख तुम लोग ये घात समुच को हम इसको क्या बोलेंगे पावर सेट, क्या बोलेंगे पावर सेट, समझ गया। अब बता तुम लोग को पूछेगा कि बता यहाँ ध्यान दे, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी अवयव है अवयव, इसको बोलते हैं सब सेट, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सब सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सब सेट। यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, जैसे हम निकालेंगे यहाँ से एक, क्या निकालेंगे, ऐसे यहाँ पर निकाले हैं क्या, यहाँ निकाले हैं एक, क्या निकाले हैं, तो एक क्या है, एक है अवयव, एक क्या है, पहले मिटा लेते उसके बाद तुम लोगों को समझ आएगा, मिटाए
थोड़ा रोक दे वीडियो को, तो चलिए ध्यान दे। अगर मान लो हम सेट ए बराबर ले रहे हैं, कह रहे हैं सेट ए बराबर क्या ले लिए, देखिए सेट ए बराबर ले लिए, मान लो वन ले लिए, टू ले लिए, थ्री फोर, फिर ले लिए हम फाइव सिक्स, और ले लिए सेवन एट नाइन, ठीक है ना, इस तरह ले लिए, समझ आ रहा है तुम लोग को। अब एक इसमें तुमको बताना है क्या, देखिए तुमको बताना है कि एक क्या है, तो एक इसके अंदर से निकाल रहे हैं ना, याद याद किसी के अंदर से अगर डायरेक्ट निकाल लेंगे तो होगा अवयव, क्या होगा, और अगर उसके अंदर से निकाल के अगर हम अपना मन से महली ब्रैकेट लगा देंगे तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा उपसमुच, क्या हो जाएगा, उपसमुच, समझ तुम लोग आ रहा है। अगर डायरेक्ट निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, अवयव यानी बिलोंग्स टू, क्या होगा, अगर उससे हम निकाल के अपना मन से उसमें छेड़छाड़ कर दिए यानी ब्रैकेट लगा दिए, महली ब्रैकेट लगा दिए, तो क्या जाएगा, उपसमुच, क्या हो जाएगा, तो बता, एक को हम डायरेक्ट निकाल दिए ना, जैसे ब्रैकेट को लगाए हैं नहीं लगाए हैं, तो यानी एक क्या है, बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू, दो निकाल दिए ना, दो निकाल लिए डायरेक्ट, इसमें छेड़छाड़ किए हैं नहीं, तो दो क्या है, दो बिलोंग्स टू ए, लेकिन दो को निकाल के हम लगा दिए ब्रैकेट, क्या लगा दिए, दो निकाल लिए ना, अपना मन से क्या लगा दिए, ब्रैकेट, क्या लगा दिए, महली ब्रैकेट लगा दिए। अब इसको अब जब लिखेंगे नहीं, अभी क्या है, अब यह समुच यानी उपसमुच, क्या है, यानी सबसेट है, किसका सबसेट है, ए का, किसका है, ए का। अब तुम्हें बता, थ्री और फोर निकाल लिए, थ्री और फोर निकाल लिए, बता इसमें बिलोंग्स टू आएगा कि थ्री और फोर में सबसेट आएगा, चलिए बताओ क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा, जरा इसमें छेड़छाड़ कहाँ किए, डायरेक्ट अंदर से निकाल लिए, कहाँ छेड़छाड़ किए, ओ बिलोंग्स टू बोल रहा है, हाँ बिलोंग्स टू होगा, क्या होगा, बिलोंग्स टू, क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर, यहाँ सबसेट नहीं बोल रहे हैं सबसेट, क्योंकि इसको डायरेक्ट निकाल लिए, क्या किए, इसमें कुछ छेड़छाड़ किए, ब्रैकेट इसमें पहले से था, ब्रैकेट इसमें क्या था, पहले से क्या था, तो इसको डायरेक्ट हम निकाले, क्या निकाले, डायरेक्ट निकाले, इसलिए इसमें लेंगे बिलोंग्स टू, ये ना कि तुम लोग ब्रैकेट देख के, इसलिए ये ना कि तुम लोग ब्रैकेट देख के ना बोल देना सबसेट, क्योंकि ब्रैकेट हम अपना मन से नहीं दिए, इसके अंदर पहले से था, तो पहले से था, तो इसमें हम कुछ छेड़छाड़ किए ना किए, तो क्या है, बिलोंग्स टू, क्या है, हाँ इसको बनाना है, अगर सबसेट बनाना है तो क्या करेंगे, अपना मन से ब्रैकेट देंगे, अपना मन से ब्रैकेट, ये तो पहले से था ना, अपना मन से अगर छेड़छाड़ कर दिए, अपना मन से ब्रैकेट दे दिए, तो क्या हो जाएगा, सबसेट, क्या हो जाएगा, सबसेट, समझा तुम लोग, उसमें क्या बता, फाइव क्या है, बिलोंग्स टू कि फाइव इज सबसेट, तो फाइव को हम डायरेक्ट निकाल दिए ना, कुछ ऐसा नहीं किए, यानी बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू, ए पगली पक्का पागल है, चल देख उधर देखो वहाँ नीचे, यहाँ ध्यान दे, फाइव यहाँ ध्यान दे, फाइव को निकाल दिए, अब इसको लगा दिए ब्रैकेट, क्या लगा दिए, ब्रैकेट, अगर अभी हम यहाँ पर नहीं क्या बनाते तुमको बताते हैं, चलिए यहाँ ध्यान दे, फाइव क्या है, फाइव यहाँ पर क्या दिए, ब्रैकेट, क्या दिए, ब्रैकेट दे दिए ना, तो अपना मन से हम यहाँ पर दे दिए ब्रैकेट, तब क्या है, सबसेट, क्या है, ए का, ए का, ए, समझ तुम लोग का आया, अगर मान लें हम लिखे सेवन एट नाइन लिख दिए, बता बिलोंग्स टू की सबसेट, बता, तो देखिए अंदर से निकाले हैं, इसके पास आप पहले से क्या था, ब्रैकेट, क्या था, अपना मन से ब्रैकेट वगैरह दिए, नहीं दिए अपना मन से ब्रैकेट, इसके पास पहले स्थान है, इसलिए क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू, क्या होगा, लेकिन अब इसका अपने मन से लगा दिए ब्रैकेट, क्या लगा दिए, लगा दिए, तो अब हो जाएगा सबसेट, क्या हो जाएगा, सबसेट, समझा, बता फाइव, बता फाइव क्या होगा, बिलोंग्स टू होगा कि फाइव होगा सबसेट, जल्दी बताओ क्या होगा, सबसेट होगा, क्यों, क्योंकि फाइव सभी का उपसमुच होता है, बताया था ना, फाइव का था सभी का उपसमुच, तो तुम लोग समझ गए, उसके बाद तुम लोग पढ़ाए थे सार्वत्रिक समुच, क्या पढ़ाए थे, सार्वत्रिक समुच पढ़ाए थे, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, यूनिवर्सल मतलब होता है कि ब्रह्मांड, क्या होता है, यानी सार्वत्रिक, यानी जो बहुत बड़ा सेट होगा ना, जिसके अंदर बहुत सारा सेट आ जाएगा, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, जैसे मान लो तुम लोग को मिटाई, तो तुम लोग को लिखना तो है नहीं है ना, चलिए यहाँ ध्यान दे, जैसे मान लो हम लिख दिए क्या, देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट को हम बरकी यू से निकल करते हैं, किसे करते हैं, बरकी यू से निकल करते हैं, और यूनिवर्सल सेट को हिंदी बोलते हैं सार्वत्रिक समुच, क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच, जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट बराबर ले लिए हम क्या, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, या तो पहले से हटा, पहले हम यहाँ ध्यान दें, यूनिवर्सल सेट बाद में लिखेंगे, ए बराबर ले लिए क्या, एक दो तीन, क्या ले लिए, बी बराबर क्या ले लिए, ले लिए तीन पाँच सात, ठीक है, और डी बराबर ले लिए, मान लो सी बराबर ले लिए क्या, फाइव सेवन नाइन, ले लिए ना, बोलेंगे इसका यूनिवर्सल सेट बताओ, इसका यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट इसका जब बताएंगे तीनों का, यानी तो ई तो ऐवे करेगा, उसमें जो है ना यूनिवर्सल सेट में ई भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी आ जाएगा, उससे कोई मतलब ना है, लेकिन इसका अगर यूनिवर्सल सेट लिखना है तो ई आना चाहिए, ई आना चाहिए, तो मान लो इसको लिख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, या तो छः दस तक रहने देते हैं, देख एक दो तीन इसके अंदर आ गया, आ गया, तीन पाँच सात इसके अंदर आ गया, कहाँ है, तीन
तीन पाँच सात आ गया, फाइव सेवन नाइन, फाइव सेवन नाइन इसके अंदर आ गया। यानी ये तीनों का ही क्या, ये तीनों की ही क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, यानी यूनिवर्सल सेट बोलेगा किसी का लिखने तो सबको मिला के लिख दे, उसके अलावा और कुछ लिख दे चलेगा। उसके अलावा क्या है यहाँ पर, नाइन है, टेन इसमें नाइन थ्री नाइन तो है लेकिन टेन नाइन है इसमें, लेकिन इसके अलावा टेन लिखा हुआ है ना, तो उसके अलावा कुछ रहेगा तो चलेगा, लेकिन जो है जो जिसका बोल रहा है लिखने, जिसका बोल रहा है लिखना वो जरूर उसके अंदर होना चाहिए, समझ गए तुम लोग। तो देख यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए जो है क्या है इसके अंदर घुसल है, यानी ए है सबसेट इसका ना बोल सकते हैं। बी क्या है इसके अंदर घुसल है, यानी बी है सबसेट इसका बोल सकते हैं, उपसमुच्च है। सी इसके अंदर घुसल है, यानी सी क्या है इसका सबसेट, क्या है सबसेट, समझ आ गया। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट किसको बोलेंगे, सब सभी उसको मिला दे तो एक जो बड़का जो समुच बने उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे फिर तुम लोगों को पढ़ाए थे, क्या बता जल्दी, यूनियन के बारे में नहीं पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, यूनियन के बारे में, फिर पढ़ाए थे इंटरसेक्शन के बारे में, उसके बाद फिर पढ़ाए थे तुम लोग को वेन डायग्राम के बारे में, यही पढ़ाए थे। चल देखो तो यूनियन किसको बोलते हैं, यूनियन किसको, देखो यहाँ पर यूनियन किसको बोलते हैं, यूनियन मतलब होता है सम्मिलन, क्या होता है सम्मिलन, यानी सबको मिला दो तो हो गया सम्मिलन, समझ रहा है। यूनियन के कब बनता है, जब बहुत लोग मिलते हैं तो बनता है, तो यूनियन को हम बोले तो बता देखा छोटकी यू से कैसे दिखाते हैं, यानी यूनियन को दिखाते हैं छोटकी यू से, क्या दिखाते हैं, बोल रहा है यूनियन, क्या बोल रहा है, यूनियन का हिंदी होता है सम्मिलन, क्या होता है सम्मिलन, तो यूनियन को दिखाते तो दिखाते छोटकी यू से कैसे दिखाते हैं, छोटकी यू से छोटकी, और यूनियन मतलब होता है सबको मिलाने सब क्यों, और एक होता है इंटरसेक्शन है, क्या होता है इंटरसेक्शन, इंटर इंटरसेक्शन का हिंदी होता है सर्वनिष्ठ, क्या होता है सर्वनिष्ठ, सर्व निष्ठ यानी सभी में उपस्थित, सभी में यानी तो इंटरसेक्शन में कौन होगा, तो इंटरसेक्शन में वही होगा जो सब सेट में उपस्थित है, मान ले दो सेट दे दिए तो जो दोनों उपस्थित है वो क्या होगा इंटरसेक्शन, क्या होगा इंटरसेक्शन को दिखाते हैं उल्टा यू से, उल्टा सीधा यू है तो यूनियन और उल्टा यू है तो इंटरसेक्शन, यही है ना। मान लो हम देने सेट ए बराबर क्या एक दो तीन, और सीट सेट बी बराबर दे दिए क्या थ्री फोर फाइव दे दिए ना, तो बोलेंगे ए और बी का यूनियन बताओ, ए और बी का यूनियन बताओ, ए और बी का तो यूनियन मतलब मिला दो, यूनियन मतलब मिला दो, तो मिला दो ये दोनों को, तो ये दोनों मिलाएंगे तो क्या होगा जल्दी बता, तो एक दो तीन चार पाँच। अब तुमने बोला कि तीन यहाँ भी है तीन यहाँ, दो बार तो दो बार कहने लिखे, तो सेट में किसी भी अवयव को हम एक बार लिखते हैं, ये दो बार आ गया लेकिन दो बार लिखेंगे नहीं, तो ये हो गया ए यूनियन बी, क्या हो गया यूनियन, तो यूनियन इसी तरह निकालते हैं ना। मान लो यहाँ पर हम सी बराबर क्या दे दिए फाइव सेवन एट दे दिए ना फाइव सेवन, अब बोलेंगे बता बी यूनियन सी, बी यूनियन यानी बी बी और सी को मिला दो, बी और सी को तो बी और सी को मिला थ्री फोर फाइव, क्या जाएगा थ्री फोर फाइव सेवन एट। अब इन्हें बोलना कि यहाँ फाइव है तो ये फाइव को कहने लिखा है, फाइव को लिख दिए तो यहाँ भी फाइव है, यहाँ भी फाइव है ना, तो कितना बार आया आए लेकिन उसको एक के बार लिखना है, तो सब लिखा गया ना, इसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन, क्या होता है इंटरसेक्शन होता है कि जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिख, जो मिलेगा सिर्फ उसी को, बोलेगे ए और बी का इंटरसेक्शन बताओ, ए और बी का इंटरसेक्शन बताओ, तो क्या करेंगे जल्दी बताओ, तो इंटरसेक्शन मतलब जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिख, तो एक इसमें है, किसमें है दो इसमें है, दो इसमें है तीन इसमें है, तीन इसमें है, तो मिल गया ना, तो जो मिल गया उसको लिख दे, समझ आ गया, और कुछ मिल रहा है ना, तो इंटरसेक्शन भी बराबर क्या गया तीन, क्या हुआ उसी प्रकार पूछेंगे बता बी बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी पूछेंगे, क्या पूछेंगे बी इंटरसेक्शन सी, तो बी पकड़ और सी पता पकड़, बी पकड़ और सी पकड़, तो देख इसमें क्या मिल रहा है, तो थ्री फोर इसमें है, थ्री फोर इसमें है, खाली फाइव मिल रहा है, क्या मिल रहा है फाइव, और कुछ मिल रहा है नहीं, तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो गया फाइव, क्या हो गया फाइव। मान लो ये बराबर तुम्हारा दे दिए क्या, हम दे दिए एक दो तीन चार पाँच, और बी बराबर दे दिए क्या, बी बराबर दे दिए हम एक पाँच तीन, ठीक है ना, और दे दिए हम चार नौ दे दिए। अब बोलेंगे बता ए इंटरसेक्शन बी बता, इंटरसेक्शन यानी जो मिलेगा उसी को लिख, जो मिलेगा उसी को लिख, एक मिल रहा है, एक मिल गया, एक लिख दिए, तीन मिल रहा है तो तीन लिख दिए, लिख दिए ना, चार मिल रहा है तो चार लिख दिए, और पाँच मिल रहा है तो पाँच लिख दिए, हो गया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन समझ गया, समझ गया तुम लोग, और क्या बताए थे जल्दी बता, और तुम लोग देख लिया ध्यान दे, अगर मान लें हम ए बराबर ले लिए क्या, ए बराबर ले लिए हम क्या एक दो तीन चार ले लिए, और बी बराबर मान लो ले लिए क्या छः सात आठ नौ, अब बोलेंगे बता
ये दोनों का यूनियन बताइए, दोनों के यूनियन तो सबको मिला के लिख दे, यानी 1 2 3 4 6 7 8 9 ये यूनियन हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे ये दोनों का इंटरसेक्शन बताइए, दोनों का इंटरसेक्शन बता दे क्या होगा, तो कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, इंटरसेक्शन में उसी को लिखते हैं जो मिलता है, मिल रहा है तो ना मिल रहा है यानी लिख, ना मिला यानी रिक्त समुच, ना मिला यानी कुछ नहीं लिखाया, ना मिल रहा यानी खाली ब्रैकेट, और खाली ब्रैकेट को ही बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं, यानी हो जाएगा इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, यही हो जाएगा होगा। फिर तुम लोग को क्या बताए थे इसका, कुछ हम गुणधर्म बताए थे, बताए थे इसका क्या बताए थे, कुछ गुणधर्म मिटा अथी रोकना इसको तो मिट, चलिए अंदर। फिर तुम लोग पढ़ाए थे हम क्या, यूनियन का गुणधर्म, यूनियन का तो यूनियन का गुणधर्म में क्या पढ़ाए थे जल्दी बता दे, कुछ गुणधर्म बताए थे यूनियन का, क्या बताए थे, जैसे ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा, बी यूनियन ए बताए थे, यानी इसी पलट इसको बोलते क्रम विनिमय, क्या बोलते हैं क्रम विनिमय, यानी ए में बी को मिला या बी में ए को मिला, बात बराबर ना होगा, ना होगा। फिर तुम लोग को बताया था क्या, ए यूनियन बी यूनियन सी इस तरह बताए थे, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होता है, बताते हैं सी आएगा इसको मार देगा धक्का तो बी पहुंच जाएगा ए के पास, ए हो जाएगा बाहर, ए हो जाएगा बाहर, यानी हो जाएगा क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा सी अंदर घुस जाएगा, यानी ए हो गया बाहर और यूनियन सी, समझ आया तुम लोग को, ये बताए थे। फिर तुम लोग को क्या बताए थे, इसी में तुम लोग को बताए थे क्या, ए यूनियन फाई, ए यूनियन बता, ए यूनियन फाई मिला था, क्या बताए थे, ए देख यहाँ पर ए में तो कुछ है फाई में कुछ है, तो मिलाएंगे तो फाई के पास कुछ नहीं रहता, एवन हो जाएगा, तो हम बोलेंगे तुम्हारे पास 100 रुपया है, हम भी तुम्हारे पास कुछ पैसा मिला रहे हैं, 1 रुपया नहीं है तो तुम्हारे पास 100 रुपया होगा, यानी इसके पास कुछ है लेकिन इसके पास कुछ है तो यूनियन मतलब मिलाना, यूनियन मतलब तो मिलाएंगे तो इसके पास कुछ होना है तो एवन खाली रह जाएगा, यानी रह जाएगा ए, क्या रह जाएगा, अब बोलेंगे ए यूनियन ए यूनियन, तो ए यूनियन बराबर क्या बताए थे, ए कैसे, तो ए में हो गया 1 2 3 और फिर हम एक को लिख दिए क्या 1 2 3 और इसका बोलेंगे यूनियन ले, क्या बोलेंगे, तो क्या तो 1 2 3 लिखेंगे, इन्हें कि फिर इसको लिख देंगे दोबारा लिखते हैं क्या, दोबारा नहीं लिखते हैं, यानी हो जाएगा ए ही होगा, क्या होगा। फिर तुम लोग को बताया था क्या, बताया था तुम लोग को यू, यू यानी क्या यूनिवर्सल सेट, यू यानी क्या यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, अब बता यूनिवर्सल सेट यानी बहुत बड़ा है, यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, जो बहुत बड़ा है और जिसके अंदर ए घुसल है, यही हुआ, क्योंकि यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है उसके अंदर ए तो घुसल है ना, तो ये दोनों मिलाएंगे तो छोटा अपने है, ये तो पहले से इसमें मिला हुआ है, ये पहले से इसमें मिला हुआ है, तो क्या होगा, ये दोनों मिलाएंगे तो बरकन होगा, अरे बरका में छोटका मिलाएंगे तो बरकन होगा, तो ये बड़ा है क्या है छोटा, ये तो पहले से इसमें मिला हुआ है, यानी क्या होगा यूनिवर्सल सेट, क्या होगा, ठीक है ना। जिसको समझ ना रहा हो वीडियो जाके देखना, उसमें काफ़ी डिटेल से बताएं, यहाँ से रिविजन करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आ रही अंदर, अब बताते क्या तुमको, बताते इंटरसेक्शन का गुणधर्म, इंटरसेक्शन का यानी सर्वनिष्ठ का गुणधर्म, सर्वनिष्ठ का गुणधर्म यानी बताए थे, इसमें भी बताए थे क्या, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए बताए थे, दूसरा क्या बताए थे, बताए थे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या बताए थे, सी मारेगा धक्का तो बी आ जाएगा यहाँ, ए आ जाएगा यहाँ, यानी हो जाएगा क्या, हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बाहर और बी इंटरसेक्शन सी अंदर, इसको बोलते हैं साचर नियम, क्या बोलते हैं। फिर तुमको बताए थे कि ए इंटरसेक्शन फाई, ए इंटरसेक्शन, अब बता ए मतलब इसके पास कुछ है, ए मतलब इसके पास कुछ, और फाई मतलब कुछ हो अपना है, तो इसमें इंटरसेक्शन में किसको लिखते हैं, जो सिर्फ मिलता है उसी को लिखते हैं, जिसके पास तो कुछ है लेकिन इसके पास कुछ है तो दोनों को मिलेगा, जिसके पास कुछ हेवन करता है इसका इसका इसमें कुछ मिलेगा, और जब मिलवन करेगा तो इंटरसेक्शन में उसी को लिखते हैं जो मिलता है, यहाँ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है यानी फाई, क्या हो जाएगा। फिर तुमको बताए थे कि ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए तो पूरा पूरी मिल जाएगा, जो ए में है उसमें भी है, यानी हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा। फिर बताए थे तुम लोग क्या, ए यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए बताए थे ना, तो यूनिवर्सल सेट यानी क्या, बड़ा है ये, क्या है छोटा है, यानी सब सेट है, ये क्या है यूनिवर्सल सेट है, यानी ए इसके अंदर घुसल है, तो इसमें कौन मिलेगा, ये दोनों इंटरसेक्शन मतलब क्या था, जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिख, तो इसमें कौन मिलेगा, तो ये तो पूरा पूरी मिल जाएगा इसमें, यानी क्या बताए थे, बताए थे ना, अभी सिर्फ रिविजन चल रहा है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग बताए थे एक सूत्र और क्या बताए थे, ए बंदर यहाँ ध्यान दे, ए बताए थे ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बताए थे, बराबर क्या बताए थे, तो एक बार इसके साथ सॉरी यहाँ बी सी दे, यहाँ ए दे दिए ना, तो यहाँ बी यूनियन सी बराबर क्या बताए थे, एक एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको ब्रैकेट में बन, इसको ब्रैकेट में बन, यही बताए थे, समझा तुम लोग, यहाँ इंटरसेक्शन होगा, समझा, ये बताए थे। फिर तुम लोग को बताए थे क्या, क्या बताए थे, गलत बताओ, रोक वीडियो को मिटाने दे।
पक्का ये सब जानवर है तो पढ़ाई बोल रहे। फिर हम पढ़े थे क्या समस्याओं का घटाने का तरीका बताए थे ना, ऐसे मान लें कि ए यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट यानी समस्याओं को घटाने का तरीका क्या बताए थे। मान लिया ए बराबर क्या मान लिए, 1 2 3 4 5 6 मान लिए, और बी बराबर मान लिए क्या 3 4 1 मान लिए। अब बोलेंगे बताए ए माइनस बी सबसेट में, सबसेट ए में से बी घटा दो, ए में से बी घटा दो, तो ए में से बी घटा, तो ए में से बी घटा रहे कैसे कितना घटा रहे हैं यहाँ ध्यान दे। यहाँ पर मान लो और कुछ ले लिए, मान लिया जैसे 8 ले लिए 9 ले लिए ठीक है ना, अब वो ए में बी को घटा, ए में बी को तो ए में बी से घटा रहे हैं, तो ए से बी घटा रहे हैं, तो इसमें 3 है तो 3 खत्म, 4 घटेगा 4 इसमें है तो 4 खत्म, 1 इसमें है तो 1 खत्म, तो ए से बी को हटा दिए ना, तो ए में आप जो बच्चा सिर्फ उसी को लिखना है ना, किसके वाला भी लिख देना है, इन्हें लिखना है, ए से बी को घटा रहे हैं, तो ए में आप क्या बचा 2 बचा 5 बचा 6 बचा, तो ये लिख दे 2 5 6 समझा तुम लोग। अगर मान लो बी में 1 घटाएं, बी में 1 को घटाएं तो क्या करेंगे, आप किधर से किधर घटा रहे हैं, इधर से इधर, तो देख यहाँ पर इसमें 1 है इसमें 1 है यानी 1 घट गया, घट गया ना, इसमें क्या है 2 तो इसमें 2 है, नहीं इसमें है 3 तो इसमें 3 है, तो 3 घट गया, क्योंकि इधर से बी में से हम 1 घटा रहे हैं, बी में से। फिर यहाँ पर है क्या 4, क्या है तो 4 इसके पास है ना, तो 4 क्या होगा घट जाएगा, क्या हो जाएगा 8 9 घटेगा, 8 9 इसके पास 7 करता है, तो बी में क्या बचा 8 और 9, तो इससे क्या बन गया कि नियम बन गया, क्या बन गया नियम कि ए माइनस बी जो है ना बी माइनस ए के बराबर होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, समझ आ गया, घटाने तरीका समझ लोग समझ आ गया ना, तो घटाने तरीका सीखे थे। फिर तुम लोग पढ़ाए थे क्या, हम पढ़ाए थे पूरक के बारे में, क्या पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे पूरक के बारे में, यानी कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ाए थे। कंप्लीमेंट किसको बोलते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ाए थे। कंप्लीमेंट को दिखाते हैं डैश से, कैसे दिखाते हैं डैश से, ऐसे ए बराबर मान ले क्या है, ए बराबर मान ले है 1 2 3 4 5 लिख दिए ना, तो इसका बोलेंगे कंप्लीमेंट। और यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, कंप्लीमेंट जब भी बताते थे एक तो क्या होता है यूनिवर्सल सेट, क्या होता है, तो मान लें यहाँ यूनिवर्सल सेट ले लिए क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिए यूनिवर्सल सेट यानी बड़ा वाला सेट ले लिए नहीं वाला। अब बोलेंगे बता एक कंप्लीमेंट बता, एक कंप्लीमेंट बता यानी जब भी बताना किसी का कंप्लीमेंट ना तो उसको क्या करते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट में से घटा देते हैं, यूनिवर्सल सेट में से घटा देते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा तो एक कंप्लीमेंट बताना यानी ए यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस यहाँ पे एक सेट और ले रहे हैं बी बराबर, मान लीजिए बी बराबर ले लिए हम 5 1 3 ले लिए ना, ले लिए बताना है एक कंप्लीमेंट, जिसका कंप्लीमेंट बताना है उसको यूनिवर्सल सेट में से घटा दे, उसको यूनिवर्सल सेट में से घटा देते, एक को घटा देते, ये मेरा यही है ना, तो इससे इसमें घटा देते, एक इसमें है तो एक खत्म, 2 इसमें है तो 2 खत्म, 3 इसमें है तो 3 खत्म, 4 इसमें है तो 4 खत्म, 5 इसमें है तो 5, तो एक कंप्लीमेंट बराबर क्या हो गया, एक कंप्लीमेंट बराबर हुआ 6 7 8 9, क्या हुआ 6 7 8 कंप्लीमेंट यानी पूरक, कंप्लीमेंट यानी पूरक, समझ आ गया। बोलेंगे बी कंप्लीमेंट बताओ, बी कंप्लीमेंट बताओ, तो बी कंप्लीमेंट बताना है यानी इसमें से आपको बी घटाना है, यूनिवर्सल सेट में से किसको हटाना है, बी को हटाना है, यानी बी कंप्लीमेंट बराबर क्या होगा यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो बी घटा दें, तो बी में क्या है 5 1 3 यानी 5 खत्म 1 खत्म 3 खत्म, क्या बचा, तो बी कंप्लीमेंट बराबर हो गया 2 4 6 7 8 9, यही ना हुआ बी कंप्लीमेंट हुआ। फिर तुमको बताए थे इसमें क्या, इसे बताया था किसी का कंप्लीमेंट अगर एक बार निकाल दिए और फिर दोबारा निकालेंगे तो वही हो जाएगा, वही हो जाएगा, बताए थे ऐसे, देखें यहाँ पे एक का कंप्लीमेंट निकालें और फिर से कंप्लीमेंट निकालते हैं, देखते हैं कि एक का कंप्लीमेंट निकाल दिए ना और फिर से कंप्लीमेंट यानी पूरक निकालते हैं, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा देंगे, इसी का कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं ना, इसको घटा दे, इसको घटाएंगे ना, तो घटाओ क्या है 6 7 8 9, तो घटा दे 6 7 8 9 6 7 8 9, तो क्या होगा 1 2 3 4 5, क्या आ गया 1 2 3 4 5, देख फिर वही आ गया, वही आ गया, यानी किसी का कंप्लीमेंट निकाल के फिर दोबारा कंप्लीमेंट निकालते क्या आता है, वही क्या आता है, वही। फिर तुमको क्या पढ़ाए थे, फिर तुमको पढ़ाए थे जैसे मान लें यहाँ पर क्या है ए, क्या है ए है और ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, देख ए मेरा क्या है ये वाला है और ए कंप्लीमेंट देख क्या है ये वाला है, यूनियन मतलब क्या है दोनों मिला दे, दोनों देख दोनों मिला ये और ये मिला दे तो क्या जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, देख मिला के हो जाएगा, यानी ए यूनियन ए कंप्लीमेंट बराबर क्या होता है यूनिवर्सल सेट, क्या होता है बताए थे। फिर तुमको बताए थे कि ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, देखे आप ए है कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन मतलब क्या था जो मिलेगा सिर्फ उसी को देख, सिर्फ उसी को लिख, तो देख ए को देख और ए कंप्लीमेंट को देख, ए यहाँ है और एक कंप्लीमेंट यहाँ है, अभी दोनों में जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिखेंगे, इंटरसेक्शन मतलब जो मिलता है खाली उसी को लिख, तो देखिए दोनों में क्या मिलेगा
कुछ मिल रहा है, यानी हो जाता है फाइव। क्या हो जाता है? फाइव। बताया थे तुम लोग को, फिर तुम लोग को बताया था क्या, फिर तुम लोग को बताया थे कि फाइव कम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है। तो फाइव मतलब कुछ होना है, फाइव मतलब तो फाइव मतलब कुछ होना है। तो इसे कम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इससे कुछ घटेगा, जब कुछ नहीं घटेगा तो क्या होगा, पूरा लिखा जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट। बताए थे, बताए थे ना। अब पूछेगा यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट क्या होगा, तो क्या होगा, तो यूनिवर्सल सेट का कम्प्लीमेंट निकालना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल यूनिवर्सल देखिए आप यूनिवर्सल सेट में से क्या किसको घटाना है, इसी को घटा देना है ना, तो घटा देंगे कुछ बचेगा ना, बचेगा यानी फाइव। क्या फाइव मतलब कुछ होना है, फाइव मतलब तो फाइव का कम्प्लीमेंट मतलब सब कुछ, यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ, जिसका कम्प्लीमेंट मतलब कुछ होना, यानी फाइव। समझा तुम लोग, इतना पढ़ाए थे। फिर तुम लोग क्या पढ़ाए थे लास्ट में, एक सूत्र बताए थे, बताए थे ना, क्या बताए थे हल करने के लिए, हल करने के लिए थे। अब यहाँ ध्यान दे, एक तो वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम अब देखते हैं। तो वेन डायग्राम में जो बड़का बनाएंगे उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट, यानी कैपिटल यू। मान लो यहाँ पर ए बराबर हम दे दिए, क्या ए बराबर दे दिए 1 2 3 4 5 दे दिए, और बी बराबर मान लो दे दिए, क्या बी बराबर दे दिए हम क्या 3 5 6 7 8 दे दिए। अब बताना है इसका वेन डायग्राम में दिखाना है, यूनियन अभी दिखा दिए ना, अब यूनियन को दिखाना है वेन डायग्राम को, इंटरसेक्शन को दिखाना है वेन डायग्राम को। चलो इसको ले लिए ए, क्या ले लिए ए, और ये मेरा क्या है बी, क्या है। अब देखिए यहाँ पर ए और बी, ए और बी, यहाँ ध्यान दे, ए और बी, तो ए और बी देखिए यहाँ, इसको ए को देख, ए किस में है, इसमें आ रहा है, और बी भी इसमें आ रहा है, आ रहा है ना, यानी ई वाला जो भाग है दोनों मारा है, दोनों मारा है, जो दोनों मारा है कहाँ लिखाता है, यहाँ क्या लिखाता है, यानी जो दोनों मारता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? यानी ई वाला मेरा क्या हो गया, इसमें जो लिखाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन को ऐसे दिखाते हैं, यानी ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन। ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब होता है जो दोनों में सिर्फ उसी को लिखना है, उसी को, तो ये हो गया इंटरसेक्शन। क्या हो गया? अब बोलेंगे यूनियन क्या होगा, तो यूनियन क्या होगा, देखिए इसको बोल दिया यूनिवर्सल सेट, क्या बोल दिए, ये हो गया ए, क्या हो गया, और ई बराबर हो गया बी, क्या हो गया, और यूनियन किसको बोलते हैं, तो सब ए को, दोनों को मिला दो क्या हो जाएगा, यूनियन क्या हो जाएगा, यानी यूनियन मेरा क्या हो जाएगा, तो यूनियन हो जाएगा ये पूरा ना, हो जाएगा कि यूनियन में दोनों को मिला देते हैं, दोनों को यानी सब हो जाएगा, यूनियन क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ना, हो जाएगा, होगा होगा। अगर मान लो इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देख यहाँ ए है, यहाँ क्या है बी, क्या है बी, यानी यहाँ ध्यान दे, जो मिल रहा है कहाँ आएगा, यहाँ, यानी ये हो गया इंटरसेक्शन। ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा इंटरसेक्शन। क्या हो गया, आई पूरा की बात करें, पूरा के बात क्या हो जाएगा, तो सब मिला दिए ना, यानी हो गया यूनियन। क्या हो गया? यूनियन। तो जो मिल रहा है कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो क्या मिल रहा है, देख तो 3 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, यानी 3 5 कहाँ लिखाएगा, यहाँ क्या लिखाएगा, और ए में क्या है, तो ए में है 1 2 4, तो 1 2 4 इधर लिखा जाएगा, कहीं कहीं लिख दे, लिख दिए, इसमें क्या लिखाएगा, तो 6 7 8 6 7 8, समझ आ गया। तो यही है क्या, वेन डायग्राम, हाँ यहाँ इंटरसेक्शन यूनियन दे दिए, इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो तुम लोग को बोलेगा बता कि वेन डायग्राम से इंटरसेक्शन को दिखा, तो बिचला दिखा देना है, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में आए, दोनों में आ गया। अब बोलेगा वेन डायग्राम को रंग के दिखा, किसको, यूनियन को दिखा, यानी पूरा रंग दे, क्योंकि यूनियन में सभी होता है, समझ गया ना तुम लोग। फिर तुम लोग को बताना है क्या, बताना है एक सूत्र, क्या बताना है, सूत्र बताना है। तो यहाँ ध्यान दे, एक सूत्र होता है क्या, यहाँ ध्यान दे, मान लो तुम लोग को दे दिया कि हिंदी बोलने वाला 10 हुआ, हिंदी बोलने वाला 10 हुआ, इंग्लिश बोलने वाला, पहले एक सूत्र देख, पहले जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन, देखिए यहाँ पे यूनियन ए यूनियन बी मतलब समझ रहा है, जो टोटल रहेगा, जब जो टोटल रहेगा उसको बोलना है यूनियन बी, क्या बोलना है यूनियन, और जब दो, और जो दो चीज़ पसंद करेगा ना, तो दो मतलब दोनों में उपस्थित है, यानी दोनों मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे, जो कुल रहेगा उसको बोलेंगे यूनियन, क्या बोलेंगे यूनियन, और जो जो दो चीज़ पसंद करेगा तो यानी दोनों में मिल रहा है ना, दोनों मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे, इसके बराबर एक सूत्र होता है क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है ना, ये सूत्र होता है, याद रखना। जैसे मान ले तुम लोग को पहले मैथ क्या था, पहला मैथ क्या था कि मान ले कि एक व्यक्ति है, ठीक है, कहीं एगो झुंड है, क्या है व्यक्ति का झुंड है, क्या है व्यक्ति का झुंड है, तो उस झुंड में कितना व्यक्ति है, मान ले 50 हो, कितना है 50 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है 50 व्यक्ति है, ठीक है ना, उसमें से एक, उसमें जो है ना 10 व्यक्ति इंग्लिश बोलता है, क्या बोलता है 10 व्यक्ति क्या बोलता है इंग्लिश, तो यहाँ लिख दिए नंबर ऑफ इंग्लिश बराबर 10, लिख दिए और लिख दिए क्या, लिख दिए मान लो कि 35 को नहीं 45 को ले लेते हैं, ठीक है ना, मान ले कि अंग्रेजी जो है ना 45 को बोलता है, कितना बोलता है अंग्रेजी को, क्या बोलेंगे
इंग्लिश ले लिए ना यहाँ पर, तब हिंदी ले लेते हैं। हिंदी ले लिए क्या 4500, क्या लिखा ले लिए कि 4500 को जान हिंदी बोलता है, क्या बोलता है तो बताना है तुम लोगों को कि दोनों बोलने वाले संख्या कितना है, यानी क्या बताना है, ये बताना है, इंटरसेक्शन बताना है, दोनों किस में आता है, इंटरसेक्शन में किस में आता है, यही बताना है। तो हिंदी इंग्लिश बोलने वाला 10 है, 50 व्यक्ति है झुंड में है, उसमें से इंग्लिश बोलने वाला 10 है और वो हिंदी बोलने वाला 45 है, तो बताना है कि देख 45 कितना है, 55 हो रहा है ना, यानी 5 कैसे बढ़ गया, यानी 5 व्यक्ति ऐसा होगा जो हिंदी भी बोलता होगा और अंग्रेजी भी बोलता होगा, यानी दोनों में जुट गया था ना, 5 बढ़ गया, 370 वाला लगा देना है। तो इसका मान कितना दे ले, 50 कितना दे ले, 50 इसका मान कितना दे ले, 10, यानी यहाँ पर इंग्लिश दे दे, इंग्लिश कितना है 10, यहाँ पर दे दे हिंदी, तो हिंदी कितना हो जाएगा 45 माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, यही ना जाएगा। अब 45 कितना जाएगा, 55 कितना जाएगा, 55 आई माइनस में है तो माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, और आप इसको इधर कर दे, इधर कर देंगे ना तो क्या जाएगा प्लस में, क्या जाएगा यानी नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, और 55 का 55 इधर 50 जाएगा तो क्या जाएगा, यानी कितना हो गया 5, कितना होगा समझा तुम लोग, तो टोटल क्या हुआ समाप्त। ठीक है, जब भी रिविजन करना हो तो वीडियो देख लेना, टोटल जो है टू जो जितना पॉइंट है सब बता दें, ठीक है। और तुम लोग बना के आ जाना कितना प्रश्नावली 1.6, और तुम लोग पहले होमवर्क दिखाता भागना।